दोस्तों आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है चेनसो। ये जेके सुपर ड्राइव कंपनी का चेनसो है। इसके साथ मिलता है आपको ये गार्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं पट्टा। इसके ऊपर चैन चढ़ाकर, ये चैन है इसको चढ़ाकर ये ऐसा बन जाता है और इससे आप लकड़ी या पेड़ काट सकते हो। ये आपका 58 cc का इंजन है। इस इंजन में आपका ये दिया हुआ है क्लच। इस क्लच को अगर आप दबाओगे तो आपका ये रेस का बटन दबेगा, अगर आप क्लच नहीं दबाओगे तो ये रेस नहीं दबेगी। ये सिक्योरिटी की वजह से है। और इस क्लच को दबा के जब आप रेस दबाओगे तो इसको अगर आप प्रेस कर देते हो, ये है क्रूज फंक्शन, जो बहुत महंगी महंगी गाड़ियों के अंदर आता है। अब ये लॉक हो गया, ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। इसका ये है हैंडल, इस हैंडल को पकड़ के अगर आप ऐसे पकड़ोगे तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। ये जगह है पेट्रोल डालने की, टूटी ऑयल को मिक्स करके। ये इसका बॉक्स दिया हुआ है, इस 25 ml अगर पेट्रोल होगा तो 1 ml आपको टूटी ऑयल डालना होगा इसके अंदर, उसी के बाद आप इसको इसके अंदर डालोगे शेक करके। ये जनरेटर सिस्टम की तरह स्टार्ट होता है, जैसे आप जनरेटर स्टार्ट करते हो वैसे ये भी स्टार्ट होता है। यह वाली जो जगह है यह है मोबिल ऑयल डालने की। अब आप इधर आ जाइए, इधर आपको आने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ से ये है इसकी चौक, जैसे स्कूटर में होती है, और इसका ये ऑन ऑफ बटन है जो कि इजीली आप इसके पास ही दिया गया है ताकि एक ही हाथ से काम हो जाए। इधर से अगर आप देखते हो इसको ओपन करने के बाद, अगर आप देखते हो तो ये ऐसा है इसका, और ये है आपका एयर फिल्टर, ये एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर के बाद अगर आप ये देखते हो, देखो ये इसकी जो मैं आपको दिखा रहा था, ये सारी जो हाउसिंग है ये मेटल हाउसिंग है, और ये मैं इसकी रेस दबा रहा हूँ इस वक्त, एक्सीलेटर जिसको कहते हैं। यही आप देखोगे मेटल हाउसिंग के साथ, ये इसके अंदर इसका कार्बोरेटर है। इधर से अगर आप देखते हो ये है इसका स्पार्क प्लग, जैसे स्कूटर के अंदर होता है, गाड़ियों के अंदर होता है। और इधर से अगर आप ये देखोगे ये है आपकी इसकी ब्रेक। मैं आपको अंदर से खोल के दिखाऊंगा दिस साइड एंड दिस साइड के क्या क्या होता है। पहले मैं आपको उसके थोड़े स्पेसिफिकेशन बता देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है 2.2 किलोवाट की मशीन, 3000 rpm, rpm का मतलब होता है राउंड पर मिनट, ये 3000 बार पर मिनट घूमती है। 58 cc का इसका इंजन है और 8.5 किलो इसका वेट है। जेके सुपर ड्राइव, इसका अगर हम नट वोल्ट अगर खोल देते हैं इस साइड से, जैसे इसके नट वोल्ट खोलने के बाद ये इसकी ब्रेक अलग हो जाती है, और ये है इसकी क्लच प्लेट्स। जब ये ख़राब हो जाती हैं तो ये इजीली आप रिपेयर कर भी सकते हो और मार्केट से करवा भी सकते हो, इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यह है इसका सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर ही पिस्टन होते हैं इसके, और ये है आपका साइलेंसर दो मुंह वाला। यह है इसका एडजस्टिंग स्क्रू, जिसको हिंदी में मक्खी भी कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट साइड से देखते हैं खोलकर इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। ये देखिए, इसके साथ कुछ टूल दिए गए हैं, जैसे कि एक ये है स्क्रू ड्राइवर, इसको आप ऐसे करके इसको इजीली, बहुत इजीली खोल सकते हो। यहाँ से आप इसको स्क्रू के मदद से खोलकर इसको ऐसे अलग कर सकते हो। ये देखिए अंदर, जैसे हम इसको घुमाते हैं, ये घूमने के बाद इसको ऐसे घुमाया जाता है जैसे हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं, इसके घूमने से ये मशीन घूमती है, इसको बोलते हैं फ्लाइंग व्हील्स। इसके घूमने से ही आपका इंजन स्टार्ट होगा, और अंदर की आप क्वालिटी देख सकते हो कितनी सुपीरियर क्वालिटी है ये। इसके साथ आपको कुछ प्रोडक्ट और मिलते हैं इसको खोलने के लिए, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा था, एक आपका स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये जो आपकी चैन है उसको धार लगाने के लिए फाइल है, और ये आपके प्रोडक्ट को, मशीन को खोलने के लिए, और एक स्क्रू ड्राइवर ये वाला है। ये जो पट्टा है आपका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइड बार। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, इसमें बैरिंग लगे हुए हैं जिसकी वजह से चेन को घूमने में बहुत आसानी रहती है। ये जो कंपनी है बहुत छोटी छोटी चीज़ों का इन्होंने ध्यान रखा है, ताकि काम करते वक्त काम करने वाले को कोई परेशानी ना आए। और जैसे ये चैन है, इसमें धार लगाने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों को पता नहीं होता और वो उल्टी तरीके से धार लगाते हैं। ये देखिए, जिस साइड ये चेन होती है, जिस साइड, एक साइड तो गोल में होगी, एक साइड थोड़ा उठाव में होगी, तो जिस साइड उठाव में है आपको उस साइड इसको घिसना है ऐसे करके।
तो ये आपकी धार लग जाएगी। अगर आप इसको उल्टा घिसोगे तो आपकी धार खत्म होगी। अगर ऐसे घिसोगे तो आपको ये ऊपर की तरफ घिसना है, आपकी धार तेज हो जाएगी और मात्र 3 या 4 बार करना है आपको ये ऐसे। अब जैसे नेक्स्ट में आ गए, नेक्स्ट में आपको ये इधर से ऊंचा है तो आपको ये इस तरफ से करना है। ऐसे ही पूरी चैन में आपको करना है। अगर आपकी चैन प्रॉपर नहीं काट पा रही है प्रोडक्ट को या लकड़ी को, तो आप इसको धार लगा के इजीली इसको शार्प कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा रिव्यू और अनबॉक्सिंग थी आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करने के लिए। इस प्रोडक्ट की 6 मंथ की वारंटी है, 6 महीने की वारंटी है। और अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पे और नंबर पे आप क्लिक करके या फोन कॉल करके आप इस प्रोडक्ट के प्राइस पता कर सकते हो। धन्यवाद।